तो और मेरे भाइयों, तो क्या हाल चाल है आप सभी के। तो आज हम आ चुके हैं दोबारा से एक न्यू वीडियो के साथ। तो हमने पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि हमने न्यू लग्जरियस रोल्स रॉयस ली थी, फ्यूचरिस्टिक वाली, जो मतलब हम लेकर के आए थे, ली कहते हैं, हमने चुराई थी, तो हम लेकर के आए थे। तो आज की इस वीडियो में हम एक नया शोरूम ख़रीदेंगे, क्योंकि जो हमने पहले शोरूम ख़रीदा था वो मतलब बहुत दूर था माइकल के घर से, बहुत ज़्यादा ही दूर था। और उधर मतलब इतनी कोई पॉपुलैरिटी भी नहीं थी कि मतलब सेल्स हो गाड़ी की, तो हमने वहाँ का सेल आउट करके यहाँ पे लेंगे हम माइकल के घर के आसपास में कोई भी, जो भी अच्छा सा मिल जाए। तो अब चलते हैं, ज़रा देखते हैं क्या सीन है। तो अभी माइकल ये कर रहा है, देख लो भाई, तुम्हें दिख ही रहा है, मैं बताऊँ क्या इसमें अभी एक पैग में देखना क्या होगा इसका हाल। ये लास्ट तीसरी है ना, थर्ड है, हाँ थर्ड में देखना इसका क्या हाल होगा। ये हो गया इसका हालत ख़राब यहाँ पे, ये देखो भाई, होगी इसकी हालत ख़राब, चढ़ गई भाई, बंदे को चढ़ चुकी है। हटाओ भाई इसको, और कर दिया ना मैंने, इसकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो अब इसको करेले का जूस पिलाते हैं, क्या पता ठीक ठाक हो, कुछ पता कुछ और अलग सी रिएक्शन ना हो जाए इसके पेट में, पहले ये फिर वो, दिक्कत ना कर जाए। कोई दिक्कत नहीं है, देखी जाएगी। अभी हमने इसको पिला तो दिया, अभी इसको चढ़ रखी है थोड़ी सी भाई, तो थोड़ा सा ऐसी स्क्रीन व्रीन रहेगा। तो हम चलते हैं एक बार माइकल के गैरेज में। तो हमने गाड़ी वाड़ी खड़ी कर रखी थी अपनी, दोनों अपनी न्यू न्यू, मतलब एक जेनोट्रॉन थी और एक थी रॉल्स रॉयस। तो आज हम जेनोट्रॉन निकालेंगे, रॉल्स रॉयस को तो अभी भी रहने देते हैं एक दो दिन और, नहीं तो कोई बाहर निकाली और हो गया कोई काम पता चले। ये दोनों अपनी एक अच्छी अच्छी गाड़ी खड़ी है, और मैंने अगर अभी गाड़ी चलाई भाई, गाड़ी की हालत टाइट हो जाएगी भाई, गाड़ी की हालत ऐसी तैसी हो जाएगी। इसलिए मैं गाड़ी थोड़ा सा अभी पहले इसके ना उतर जाने का थोड़ा टाइम लेते हैं, खाम पीली में गाड़ी को डैमेज हो जाएगा और हो गया काम, बर्नआउट भाई। देख रहे भाई टायर ऐसा लग रहा है, टायर एक जगह स्टेबल हो रखा है, बल्कि टायर भाई घूम रहा है भाई। अगली बार नहीं करेंगे ऐसा माइकल के साथ, चलो कोई नहीं। तो गाइस अब हम आ चुके हैं, मैंने फ्रैंकलिन को फ़ोन लगाया था कि भाई मेरे को कोई शोरूम चाहिए नया, उसने मेरे को बताया कि आ जाए एक बार बात कर लेते हैं। उसने को अपनी लोकेशन बुलाया, मैं जा रहा हूँ मिलने, बात करके देखते हैं क्या कह रहा है, और आई होप कि कोई अच्छा सा शोरूम में मिल जाए हमें कुछ भी करके। गाइस मैं ड्राइविंग में मत जाना, वो ज़रा मैं ऐसे ही चला रहा हूँ थोड़ा सा आगे पीछे करके। हाँ तो हम पहुँचने वाले हैं बस माइकल उसके पास, फ्रैंकलिन के पास। फ्रैंकलिन इस बार फ्रैंकलिन में काम आ गया, इस बार लेस्टर काम नहीं आया। लेस्टर को मैं बोलते बोलते थक गया था भाई, लेस्टर दे 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 दे, बंदा सुनता ही नहीं है, बंदा बोला है ही नहीं भाई मेरे पे। और इसी वीडियो में हम उसके लिए ना शोरूम के लिए कार भी लेकर के आएंगे, तो चलते देखते क्या कह रहा है। एक बारी जो न्यू शोरूम है उसमें इस बारी कार और बाइक दोनों लेकर के आएंगे अच्छी अच्छी एकदम। ये रहा फ्रैंकलिन खड़ा है कोने में, भाई यार कोने में क्यों खड़ा, उस साइड मुंह करके इधर हूँ मैं, यहाँ मैं ही चला जाता हूँ, क्या बोल रहा है अभी, कोई नहीं चलो। हाँ बात करके देखते हैं क्या कह रहा है, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। हाँ तो भाई मेरी फ्रैंकलिन से बात हो चुकी है, तो फ्रैंकलिन ने बोला है कि तेरे घर के पास में एक मैं नया शोरूम दिला दिया है, एक खुला है मतलब, तो उसको देख ले, वो सेल पे लगा हुआ है, तेरे को चाहिए तो मेरे को बता दे, बहुत सस्ते में मिलेगा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। और अभी तो उससे स्टार्ट कर लेगी कि तेरे पैसे भी इतने नहीं है कि मतलब तू एक हैवी है शोरूम लेगा, ये करेगा वो करेगा। ठीक है फिर जाके देखते एक बारी घर के पास में फटाफट से, क्रैकलिंग देख रहे भाई, क्रैकलिंग भाई अच्छी आवाज़ आती है, फिर देखते हैं जाके घर पे। हाँ तो गाइस सुबह सुबह हो चुकी है, रात हो गई थी तो मैं आके सो गया था, तो अब निकलते हैं। इसने कहा था घर के पीछे की साइड, और मैप में निशान भी आ रहा है, तो उस पर चल के देखते हैं एक बारी क्या कह रहा है यहाँ पे। अरे हाँ ये रहा शोरूम, ये कार्स किसकी है, चारों लाइन से लगी हुई है, ये पता नहीं कौन सी सस्ती सी कार है। हाँ तो एक बार ना अंदर जाके देखते हैं कैसा है, यहाँ पे कार पार्क कर देते हैं। हाँ भाई ये सही फीच ठीक है, मैं ऐसा बेकार भी नहीं कहूँगा, इसको पहले खुल जाने देते हैं फिर उसके बाद अंदर साइड पे चलते हैं। यहाँ से है क्या एंट्रेंस, अरे अरे यार मेरे को लगा वहाँ से एंट्रेंस है, मैं ट्राई कर रहा हूँ, वहाँ पर शीशा लगा, ये देखो भाई इतना बड़ा स्पेस है, और वो सामने की साइड पे लॉस सैंटोस, ये सही रहेगा जगह गाड़ियों की शक्ल ना, मतलब ये लॉस सैंटोस की साइड पर रखेंगी कि मतलब हाँ देख सके, और ये माइकल के घर में जाने का रास्ता सीढ़ियाँ। तो चलो फटाफट से बाहर की साइड चलते हैं, ये भाई शीशा लाइट लाइट ख़त्म भाई, लाइट ख़त्म, लाइट ही टूट गई भाई, अब आते के साथ ही नाश होता है यहाँ पे। तो अब गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं। ट्रेसी का भाई 3 से 4 दिन से फ़ोन आ रहा है, मैं उठाऊँगा ही नहीं, उठा ही नहीं रहा भाई, परेशान कर देती है भाई, दिमाग ख़राब।
चलो भाई, यहाँ पे मेरे को लेस्टर से मेरी बात हुई थी थोड़ी देर पहले, तो उसने बोला कि यहाँ पे मेरा बंदा आएगा, उसको वो कंटेनर लेके, तो उससे ले लेना। चलो वेट करते हैं, देखते हैं कब तक आता है वो भी। यहीं पे वेट कर सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते। हाँ तो गाइस, लेस्टर का बंदा आके दे गया हमें कंटेनर, और वो देखो भाई गाड़ियों की हालत, भाई गाड़ियों की हालत देखो भाई, देख रहे हो भाई ऊपर भाई, इसके तो उसका तो डोर ही निकल गया है भाई, और नीचे से लटक रही है। बाइक तो चलो ठीक भी है भाई, गाड़ियों की हालत बहुत ख़राब कर दी भाई लेस्टर के बंदों ने। हाँ तो गाइस, यहाँ पे मैंने सारे अपने वो कंटेनर से, ट्रॉली से मतलब निकाल लिए सारे, वो अपना ट्रेलर खड़ा है वहाँ पे, मैंने सारी गाड़ियाँ निकाल लिए इधर, और एक बार ज़रा चेक करके देखते हैं अंदर एक साइड बैठ के सारे। एक बार उसे स्पोर्ट्स वाली को देखेंगे पहले, स्पोर्ट्स वाली बहुत अच्छी दिख रही है, और ये बाइक है, मैं दो दो ले आया जिनेट्रॉन, जो भी बाइक का नाम है, बाइक का नाम नहीं याद आ रहा। तो भाई ये देखो स्पोर्ट्स वाली कार है भाई, एकदम स्पोर्ट्स लुक भाई, मस्त भाई ड्रिफ्टिंग के लिए एकदम। इसको तो मैं सोच रहा हूँ अपने लिए रख लूँ, लेकिन फिर सोचते हैं गाइस हमें उसके लिए भी चाहिए, शोरूम के लिए आए हैं हम, ये भूल जाता हूँ बार बार। देख रहे हो भाई, इसके पहले रेडियो ऑन करते हैं, इसको तो क्रैकलिंग देखते हैं इसकी, क्रैकलिंग। ये देखो भाई साइड में है इसका साइलेंसर, एग्जॉस्ट भाई, इसका एग्जॉस्ट मॉडिफाई करवा देंगे ना और अच्छा लुक आएगा। कार का कलर ठीक ठाक है, कोई नहीं चलेगा। ये देख रहे हो भाई, ये भी ड्रिफ्टिंग कार है भाई, बहुत अच्छी। क्रैकलिंग भी बहुत अच्छी हो रही है भाई, साउंड अच्छी है क्रैकलिंग की, मेरे हिसाब से तो बहुत ठीक है। तो अब दूसरी कार में चलते हैं, ये रही भाई अपनी दूसरी कार, सुपर में है ये, सुपर सुपर स्पोर्ट नहीं मिली भाई मेरे को, सुपर स्पोर्ट बहुत महंगी मिल रही थी भाई, बहुत ज़्यादा ही महंगी, उसको मैं खरीद तक नहीं सकता था, इतनी महंगी हो गई थी वो सुपर स्पोर्ट। मेरा भाई इसका बर्नआउट है, ये लुक है, रेडियो बंद करते हैं इसका, रेडियो बंद कर दिया, और देखो भाई इसका एक बार बर्नआउट। तो घास घास उड़ रही है बस, वो क्योंकि उस पर है फुटपाथ पे, रोड पे होता तो थोड़ा सा मतलब स्मोक टाइप में निकलता है भाई, क्रैकलिंग है इसकी, आई थिंक ठीक है, बेकार भी नहीं बोलेंगे। और भाई वो हो रही हमारी सुपर स्पोर्ट, बस एक ही लाया हूँ भाई, यही है एक सुपर स्पोर्ट में भाई, जो मेरे मतलब बजट में थी मैं ले सकता था। इसका थोड़ा सा अलग ही सिस्टम है एग्जॉस्ट का, ऊपर की साइड पे लगा हुआ है, जो भी कहो लुक अच्छी है भाई एग्जॉस्ट की, मैं तो बहुत अच्छा लगा इसका। रेडियो ऑन करते हैं, तो एग्जॉस्ट देखो भाई कहाँ पे लगा हुआ है, ये देख रहे हो भाई। चलो तो भाई अब सारी गाड़ी अंदर की साइड पार्क कर देते हैं फटाफट से, और जाके देखते हैं क्या है अंदर, क्या हो रहा है। हाँ तो भाई इसमें अपनी दूसरी वाली कार में आके बैठ चुका हूँ, तो इसको ही लेके चलते हैं। देख रहे भाई ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्ट देख रहे भाई इसको ना, मैं अपने लिए लेकर के सोच रहा हूँ रख लो अपने गैरेज में, मतलब मैं ही चलाऊंगा भाई इसको, मज़ा आएगा इसको चलाने में। मैं सोच रहा हूँ यार ठीक है कोई नहीं, इससे बढ़िया ले आएंगे, पैसे आ जाने तो उससे बढ़िया ले आएंगे अपने लिए, इसको तक सेलिंग के लिए रख लेंगे। और इस पर ना इस मतलब इस शोरूम पर हम उसको रखेंगे, लमार को और जिमी को, इन दोनों को रखेंगे यहाँ पे, या फिर एक को रखेंगे लमार या फिर जिमी, दोनों में से देख लेंगे, या फिर मैं सोच रहा हूँ एक और शोरूम लेते हैं, उस पर एक एक दोनों को कर देंगे तो और हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। तो गाइस मैंने सारी बाइक वाइक अंदर पार्क कर दी, लास्ट कार बची है, इसको भी ले जाके फटाफट से अंदर के साइड पर खड़ी कर देते हैं, जल्दी से प्यार से लेके जानी है मेरे को ये वाली लास्ट गाड़ी है भाई, मैं थक गया हूँ एकदम भाई। ये भाई अपना ये लाइट्स शोरूम क्या ऑन हो गई, ये भाई क्या हो रहा है, ये गेम जो टक रही है मेरी, पता नहीं भाई मेरे को लाइट शायद से लाइट्स के ग्राफिक्स थोड़े होंगे, वो मेरे को देखना पड़ेगा। हाँ तो गाइस ये अभी मैं प्यार प्यार से ले जा रहा हूँ उसको अंदर की साइड पे, मैं यहाँ पे खड़ी कर देता, तो बस यहीं पे खड़ी कर देते हैं। और ये देख लो भाई सारी अपनी बाइक्स यहाँ पे लगी हुई है, और मस्त एकदम यहाँ पे सेटिंग बैठ रखी है, और यहाँ पे बस कल से मतलब अभी से ओपन नहीं किया है मैंने, अभी से रात भर ऐसे ही रहने देते हैं, अपन सुबह देखेंगे करना क्या है, अब किस किस को रखें, कहाँ कहाँ रखें, क्या क्या मैनेज करें, कौन कौन मैनेजिंग पे लगेगा, वो सब हैंडल कर लेंगे सुबह देखेंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो बस इतना ही था, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना।